वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिज़म के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिज़म की बहुत ज़्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फ़ैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज वाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में आय्यारी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने

रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल दो हजार अट्ठारह में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज़ को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहाँ दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और अवेनस डे जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज़ ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवीज़ आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफ़ी ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑडियंस से ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के साथ ामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारी की सारी को हैंडल किया है म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एंड बी को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बी को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्कस पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज़ देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो रियलैंस एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी 5.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है फाइनली ये कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोगों जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिजम के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज़्यादा ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहा दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और अवेयरनेस डे जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवीज आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है, वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहां पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफी ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑडियंस से ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमेटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफी अच्छे से एडिटिंग को सारी के सारी को हैंडल किया है म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नजर आएंगे एंड को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्क पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो रियल एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूं यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आई रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी 5.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है और अभी फाइनली ये कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोगों जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रोटिज्म की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिजम के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज़्यादा ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से यहां पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहाँ दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और और डे जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज़ ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवीज़ आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी प्ले कर रही होती है और काफ़ी करती है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी तो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के साथ सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारी की सारी को हैंडल किया है म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एंड बी को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्क पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो रियल एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहां पर आई एम डी बी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आई रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी 5.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े एनिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोगों जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रोटिज्म के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज़्यादा ज़्यादा क्रिएट कर रही होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से यहां पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड तो इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहा दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और अवेयरनेस डे जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवीज आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन पर के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहां पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफ़ी ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमेटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफी अच्छे से एडिटिंग को सारी के सारी को हैंडल किया है म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नजर आएंगे एंड बीजीएम को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्क पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो रियल एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी 5.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े एनिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोगों जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिज्म के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज़्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अय्यारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से यहां पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक और कहा दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और डे जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवीज आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन पर के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहां पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफी ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमेटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफी अच्छे से एडिटिंग को सारी की सारी को हैंडल किया है म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नजर आएंगे एंड बीजीएम को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्क पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो रियल एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहां पर आई रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आई रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े एनिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिजम के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक करके अपने दोस्तों के साथ, सारी सारी साथ हमारे ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन पर इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज़्यादा ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से यहां पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहां दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और अवेयरनेस डे जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज़ ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवीज़ आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारी की सारी को हैंडल किया है म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एंड बी को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज़ में पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्क पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो रियल इंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आई रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज थी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े एनिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है और अभी फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पेट्रोटिज्म की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रियटिज्म के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रियटिज्म की बहुत ज़्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फ़ैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगे रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाइफ से सब्सक्राइब कर दीजिएगा नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहाँ दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और और डे जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज़ ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवीज़ आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेटोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारी की सारी को हैंडल किया है म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एंड बी को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज़ में पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्क पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो रियल इंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आई रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग रे है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज थी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े एनिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है और अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिजम के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से रहें उनको भी ये सारी की सारी की मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन पर

तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहाँ दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और अवेनस डे जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज़ ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवीज़ आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहां पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफ़ी ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के साथ ने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारी के सारी को हैंडल किया है म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नजर आएंगे एंड बी को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बी को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्कस पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज़ देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो रियलेंस एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आई रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े एनिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है फाइनली ये कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिजम के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी दोस्तों वो भी ऐसी से एक न्यू की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो हजार अठारह में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन पर इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती कर रही होती है, काफ़ी कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन है सामने काफी सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, तो तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहाँ दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और अवेयरनेस डे जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज़ ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवीज़ आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफ़ी ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के साथ ामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारी की सारी को हैंडल किया है म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एंड बी को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बी को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्कस पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज़ देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो रियलैंस एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी 5.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है फाइनली ये कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोगों जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिजम के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज़्यादा ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी मुझ, को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहाँ दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल ट्वेंटी सिक्स और डे जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज़ ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवीज़ आप लोगों का टाइम जो है वो डिज़र्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहां पर की की गई है प्रोड्यूसर्स बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गधा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा भी क्रिएट करती है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी तो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रवीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारी की सारी को हैंडल किया है म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एंड को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्कस पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो रियल एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहां पर आई एम डी बी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई एम डी बीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आई रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी 5.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े एनिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी फाइनली ये कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजिल अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोगों जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रोटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिजम के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिज्म की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज़्यादा ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से यहां पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहाँ दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और और डे जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज़ ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवीज़ आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गधा अक्षय जयंती लाल गधा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा भी क्रिएट करती है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी तो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के साथ सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सीनेटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारी की सारी को हैंडल किया है म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एंड बी को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्क पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो रियल एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहां पर आई एम डी बी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आई रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी 5.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोगों जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रोटिज्म के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज़्यादा क्रिएट कर रही होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से यहां पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहा दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और अवेयरनेस डे जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवीज आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर इस मूवी की स्टोरी लाइन है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहां पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफ़ी ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमेटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफी अच्छे से एडिटिंग को सारी के सारी को हैंडल किया है म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नजर आएंगे एंड बीजीएम को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्क पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो रियल एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूं यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी 5.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तोकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े एनिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिज्म के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अय्यारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से यहां पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहाँ दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और और डे जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज़ ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवीज़ आप लोगों का टाइम जो है वो डिज़र्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहां पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफी ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी तो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के ामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारे के सारे को हैंडल किया है म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नजर आएंगे एंड बी को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्कस पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो रियलेंस एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहां पर आई रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आई रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े एनिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिजम के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज़्यादा ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से यहां पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहा दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और अवेयरनेस डे जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवीज आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन पर के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहां पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफी ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑडियंस से ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सीनेमेटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारे के सारी को हैंडल किया है म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नजर आएंगे एंड बी को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्क पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो रियलेंस एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूं यहां पर आई एम रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आई रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज थी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े एनिम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग जाकर इसे इन्जॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रियटिज्म की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रियटिज्म के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रियटिज्म की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से यहां पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहां दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और और डे जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज़ ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवीज़ आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारे की सारी को हैंडल किया है म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एंड बी को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज़ में पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्क पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो रियल इंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आई रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज थी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े एनिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी ला से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल well, तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिजम के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहाँ दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल ट्वेंटी सिक्स और अवेनस डे जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज़ ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवीज़ आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफ़ी ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के साथ ाम ने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारी के सारी को हैंडल किया है म्यूज़िक की अगर मैं बात करूं तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एंड बी को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बी को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्कस पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज़ देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो रियलेंस एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी 5.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज थी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है और अभी फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोगों जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिजम के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहां दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और अवेनस डे जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज़ ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवीज़ आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफी ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारे के सारी को हैंडल किया है म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नजर आएंगे एंड बी को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज़ में पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्क पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो रियलेंस एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग की जानिब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी 5.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकबा ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है फाइनली ये कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोगों जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिजम के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज़्यादा ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से यहां पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहाँ दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और और डे जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज़ ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवीज़ आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने ही इस

तो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सीनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रवीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारी की सारी को हैंडल किया है म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एंड को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्क पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो रियल एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहां पर आई एम डी बी रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की के इस मूवी की आई एम डी बीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आई रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी 5.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े एनिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोगों जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रोटिज्म की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिजम के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन है रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज़्यादा ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी का सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहाँ दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और और डे जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज़ ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवीज़ आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने ही इस

तो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के साथ सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रवीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारी के सारी को हैंडल किया है म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एंड बी को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्क पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो रियलैंस एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहां पर आई रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आई रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी 5.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजन प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोगों जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रोटिज्म के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज़्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से यहां पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहाँ दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और और डे जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज़ ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवीज़ आप लोगों का टाइम जो है वो डिज़र्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहां पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गधा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफी ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी तो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के ने यह मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारे के सारी को हैंडल किया है म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नजर आएंगे एन बी को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्क पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो रियलेंस एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आई एम रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई एम रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आई रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहां पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े एनिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिजम के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से यहां पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहाँ दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और और डे जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज़ ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवीज़ आप लोगों का टाइम जो है वो डिज़र्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहां पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफी ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी तो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के ने यह मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारे के सारे को हैंडल किया है म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नजर आएंगे एंड बी को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्कस पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो रियलेंस एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहां पर आई रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आई रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े एनिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिजम के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रखुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज़्यादा ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से यहां पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं, तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहा दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और अवेयरनेस डे जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवीज आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन पर के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहां पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफी ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑडियंस से ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमेटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को सारे के सारी को हैंडल किया है म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नजर आएंगे एंड बी को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्क पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो रियलेंस एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहां पर आई रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आई रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े एनिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजम से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पेट्रोटिज्म की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिज़म के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिज़म की बहुत ज़्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज वाजपाई के फ़ैन रखुलप्रीत सिंह के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगे रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाइफ से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है आप लोगों के सामने नीरज पांडे ने जिन्होंने काफी अच्छे से पहले भी आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज को डायरेक्ट करके प्रेजेंट किया है एंड इस मूवी को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी मूवीज उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहा दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल ट्वेंटी सिक्स और अवेनस डे जैसी मूवी मूवीज को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज़ ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवीज़ आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर कि इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहाँ से, से देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सीनेटोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की को हैंडल किया है एडिटिंग एडिटिंग में आप लोगों को 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 प्रवीण देखने मिल जाते हैं जिन्होंने काफी अच्छे से एडिटिंग को, सारे की सारे को हैंडल किया है म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नजर आएंगे एंड बीजीएम को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्क्स पैन इंडिया लिमिट ड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो रियलेंस एंटरटेमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आई रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर, अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े एनिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहां पर किस language में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही वेल तो जी अगर आप लोग भी पैट्रेटिजम के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को पैट्रेटिजम की बहुत ज्यादा झलक दिखे या फिर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप लोग सिद्धार्थ रॉय कपूर के फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं मनोज बाजपाई के फैन हैं रकुलप्रीत सिंह के फैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी अयारी के बारे में अयारी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश

तो उन्होंने आउच उसी के साथ साथ क्रैक औरों में कहा दम था अयारी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बेबी स्पेशल 26 और अवेयरनेस डे जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है जो कि सारी की सारी मूवीज ही आप लोगों ने देख रखी होंगी अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवीज आप लोगों का टाइम जो है वो डिजर्व करती हैं और बहुत अच्छे से ये मूवीज बनाई भी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन पर बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन पर इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो किसने लिखी है तो नीरज पांडे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी हैंडल किया जो कि बहुत अच्छे से यहां पर हैंडल की गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो शीतल भाटिया उसी के साथ साथ धवल जयंती लाल गदा अक्षय जयंती लाल गदा और मोशन पिक्चर कैपिटल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे अभी हम बात करते हैं कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है और काफी ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करती है है ऑडियंस पर क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑडियंस से ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इसे देखने के लिए आएगी लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो कोई फेमस कैरेक्टर ना लिया जाए तो ऑडियंस कहां से इसे देखने के लिए आएगी तो कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलेंगे मनोज बाजपाई देखने को मिल जाते हैं रकुलप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं पूजा चोपड़ा देखने को मिलते हैं आदिल हुसैन कुमुद मिश्रा नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना तो किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है सिनेमेटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सुधीर पलसाने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग में आप लोगों को प्रावीण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिटिंग को तो सारे के सारी को हैंडल किया है म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स वगैरह में आप लोगों को रोचक कोहली और अंकित तिवारी हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एंड बी को संजय चौधरी ने हैंडल किया जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की जो है वो बीजीएम को हैंडल करके आप लोगों के सामने किया है प्रोडक्शन कंपनीज में मोशन पिक्चर कैपिटल फ्राइडे फिल्म वर्क पैन इंडिया लिमिटेड और उसी के साथ साथ प्लेन सी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो रियल एंटरटेनमेंट आप लोगों को इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूजर्स की मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग की जानब से जो परसेंटेज मिली है वो है जी 5.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम बात करते हैं जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज थी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी हम लास्ट में आप लोगों के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है और अभी फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर इंजॉय कर सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर डिजनी प्लस हॉट स्टार पर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा प्योर हिंदी वर्जन में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोगों जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है जिसमें आप लोगों को पेट्रोटिज्म की बहुत ज्यादा झलक देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आर्मी के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो दे ही